बार मेरे साथ आप देखना शुरू कर चुके हैं रुपची लाइव। नीतीश कुमार से झटका खाने के बाद अमित शाह ने अपनी नजरें बिहार पर गड़ा ली है। इसी कड़ी में अमित शाह एक बार फिर 1 अप्रैल को बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। यहां आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 अप्रैल को पटना आ रहे हैं, वहीं 2 अप्रैल को सासाराम में आयोजित सम्राट अशोक की जयंती समारोह में वे शामिल होंगे। फिर उसी दिन नवादा के हिसुआ में आयोजित लोकसभा प्रवास कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसकी जानकारी बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दी है। दरअसल मिशन 2024 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि अमित शाह और बीजेपी की नजर बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर है और बीजेपी हर हाल में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करना चाहती है। यहां गौरतलब है कि अमित शाह के दौरे को लेकर कहा गया था कि वे 2 अप्रैल को आएंगे, लेकिन अब उनके कार्यक्रम में बड़ा बदलाव हुआ है। भाजपा नेता का बिहार दौरा अब 1 अप्रैल से ही शुरू हो जाएगा। वो 1 अप्रैल को पटना आएंगे, उनका रात्रि विश्राम भी पटना में ही होगा। बाद में वे अगले दिन अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 2 अप्रैल को राज्य में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। यानी कि अमित शाह बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। देखें तो आगामी लोकसभा चुनाव भाजपा और जदयू दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि जदयू ने हाल ही में भाजपा के साथ गठबंधन तोड़कर राजद के साथ गठबंधन कर लिया है। ऐसे में जनता इस गठबंधन को कितना तवज्जो दे रही है, इसका आकलन लोकसभा चुनाव के दौरान ही होगा। दूसरी ओर भाजपा को भी ये दिखने की आवश्यकता है कि बिहार में नीतीश कुमार के सहयोगी के बिना भी पार्टी का अपना वजूद है। यानी कि लोकसभा चुनाव में भाजपा और जदयू दोनों को कहीं ना कहीं ये दिखाना है कि पार्टी एक दूसरे के सहयोग के बिना भी चुनावों में जोरदार प्रदर्शन कर सकती है। इसी संकल्प के साथ अमित शाह लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नजरें लोकसभा चुनाव के साथ साथ बिहार विधानसभा चुनाव पर भी है। इसी उद्देश्य के साथ पार्टी ने सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा अध्यक्ष भी बनाया है। अब देखना यह है कि अमित शाह का ये दौरा बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव डालता है। आप जुड़े रहें रुपची लाइव के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।